तो गाइज हमारे इंडियन गेम्स कारफॉल 2.0 का बीटा टेस्टिंग कब आने वाला है, चलो ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन साथ में क्या क्या आने वाला है बीटा टेस्टिंग के अंदर वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो ऑफिशियली मैंने डेवलपर से पूछा है और कारफॉल 2.0 के ऑफिशियल हैंडल्स पे से कलेक्ट किया है। तो यहाँ पर शायद मे बी एक्सपेक्टेशन का कोई चांस नहीं है, जो भी बताऊंगा बिल्कुल कन्फर्म बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हो RY गेमिंग स्टार यूट्यूब चैनल। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बीटा टेस्टिंग का रिलीज डेट बताऊं, उससे पहले आप लोगों को बीटा टेस्टिंग में क्या क्या ऐड होने वाला है, क्या कुछ नया आने वाला है स्कारफॉल 2.0 के अंदर, सबसे पहले वो दिखा देता हूं या बता देता हूं। तो गाइज ये देखो, ये है मेरे पीसी की स्क्रीन और गाइज वेबकैम की क्वालिटी आपको इतनी बढ़िया देखने को नहीं मिलेगी, बट मेरा कंटेंट बहुत ही बढ़िया है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, कर देना लाइक, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे स्कारफॉल 2.0 का बीटा टेस्टिंग में क्या कुछ नया नया ऐड होने वाला है। जब स्कारफॉल 2.0 का बीटा टेस्टिंग रिलीज होगा तब उसमें क्या क्या मतलब कि रिलीज होगा, राइमिंग नहीं हुआ क्या, चलेगा चलो छोड़ो। तो गाइस ये देखो, ये है स्कारफॉल 2.0 का ऑफिशियल वाला यूट्यूब चैनल, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे इसका लेटेस्ट वाला वीडियो है वो स्कारफॉल 2.0 इंडिपेंडेंस डे स्पेशल Q&A विथ डेवलपर्स, इसके अंदर मैं भी था, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये रहा RY गेमिंग स्टार, ओके बिजनेस पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, बिजनेस तो नहीं कर रहा हूं भाई मैं। इस वीडियो के अंदर मैंने डेवलपर से है ना मतलब कि रिलीज डेट के बारे में ही पूछा था, आपको दिखाता हूं मैं। इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ यूट्यूबर्स जुड़ेंगे जिनका नाम राहुल है, RY गेमिंग स्टार। सबसे पहले तो मैं राहुल जी आपका स्वागत करना चाहूंगा, वेलकम टू स्ट्रीम, और लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर ऑफिशियल जिस तरीके से आज सवालों के जवाब देने के लिए आए तो मुझे बड़ी खुशी है आपका स्वागत करने के लिए, साथ ही साथ में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी आपको बोलना चाहूंगा। सवालों जो अरे ये सब छोड़ो यार, अपने लाइक मेन टॉपिक पे जाते, रिलीज डेट पे थोड़ी रहेगी लेकिन हम वर्क कर रहे हैं कि भाई ओपन मैचिंग मैच मेकिंग भी बहुत जल्दी दे दे और जो डायरेक्ट स्टार्ट बटन है वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी। तो इधर मैंने डेवलपर से पूछा था रिलीज डेट, ठीक है, यहाँ पर रिलीज डेट को लेकर डेवलपर्स ने मुझको क्या बोला और आप लोगों के साथ क्या शेयर किया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मतलब कि ऑडियंस एक सवाल ज्यादा पूछ रहे, मतलब कि सब लोग ऑलमोस्ट ये सवाल ज्यादा ही पूछते हैं, रिलीज डेट क्या होगा, ठीक है, लाइक रिलीज डेट तो आप नहीं बता सकते, वो तो आपको भी ज्यादा नहीं होगा, बट एक्सपेक्टेड लाइक 2025 के स्टार्टिंग में या एंडिंग में या फिर ऐसा लाइक एक्सपेक्टेड रिलीज डेट बता सकते हैं। देखिए एक्सपेक्टेड तो हम भी बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया आप लोगों के फीडबैक जैसे ही हमारे पास आते हैं तो हमने जो कोई भी चीज दी होती है गेम में या तो फिर हमने जो ऐसा सोचा होता है कि भाई ये फीचर लोगों को पसंद आएगा, लेकिन जब उसमें इटरेशन आते हैं तो फिर वो रिविजन की वजह से डिले होता है। तो सेम वे हाँ हम मान सकते हैं कि 2025 में ही लॉन्च होगा, सीधी बात है, लेकिन मैं आपको अभी कोई एग्जैक्ट मंथ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ ये चीज कंफर्म है कि आप लोगों के पास गेम हमेशा रहेगी और हमारे सर्वर्स भी 24/7 ऑन है और हम ये पूरी कोशिश करेंगे जो आपका पहला सवाल था कि ओपन मैच मेकिंग सबसे बड़ा कंसर्न अभी वो ही है, तो हम ये बहुत मतलब उसके ऊपर हार्ड वर्क करेंगे कि भाई जल्द से जल्द आपको ओपन मैच मेकिंग दे दे ताकि किसी भी प्लेयर को कोई भी टाइम खेलना हो और उसको इनफ। और गाइस ये ओपन मैच मेकिंग की बात चल रही है ये अभी तक हमारे गेम के अंदर आ चुका है, ठीक है, अगर आप लोग स्कारफॉल 2.0 प्ले करते हो पता होगा ओपन मैच मेकिंग हमारे गेम के अंदर आ चुका है स्कारफॉल 2.0 के अंदर। और यहाँ तक के डेवलपर्स ने रिलीज डेट के बारे में हमको बताया कि 2025 में आ सकता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड 2025 में आने वाला है, बट कौन से मंथ में एग्जिट आने वाला है, लास्ट मंथ में आने वाला है, स्टार्टिंग मंथ में आने वाला है, मिड मंथ में आने वाला है, वो तो अभी तक हमको कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्कारफॉल 2.0 के बीटा टेस्टिंग में आने वाले कुछ असेट्स, ठीक है, असेट्स मतलब कि जो भी चीजें होती है इन गेम के अंदर, जो सामान वगैरह होता है ना, जैसे कि बैकपैक हो गया या फिर कॉस्ट्यूम वगैरह हो गया, कवर वगैरह हो गया, कवर यानी कि बेसिकली वो लूट बॉक्स। तो ये स्कारफॉल 2.0 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसमें अगर आप लोग वीडियोस वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे आप लोग अगर बहुत ही ओल्डेस्ट वाले में जाते हैं, ठीक है, ओल्डेस्ट वाले में, तो यहाँ पर स्कारफॉल 2.0 ने लगभग 2 साल पहले, आज से लेकर पिछले 2 साल पहले ही उन्होंने स्कारफॉल 2.0 में क्या कुछ नया ऐड होने वाला है, क्या कुछ नया ऐड नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है उसका उन्होंने नहीं बताया, बट क्या कुछ ऐड होने वाला है उनके बहुत सारे हिंट्स उन्होंने हमको बहुत पहले ही दे चुके हैं, ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं आपको एकदम थोड़ा शॉर्ट में समझाने का ट्राई करता हूँ, देखो ये एक हेलमेट हो गया, ठीक है, बहुत ही तगड़ा लुक है इसका, हम अपने डाइजेशन की चिंता उन पे कैसे छोड़ दें। तो ये देखो ये बेसिकली हेलमेट का स्किन है जो कि स्कारफॉल 2.0 के बीटा टेस्टिंग में ऐड होने वाला है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो किस टाइप का यहाँ पर हेलमेट का स्किन है, ठीक है। उसके अलावा भी मतलब कि बहुत सारी चीजें, रुको आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे कि एक तलवार का ये हो गया, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये तलवार वाला सीन हो गया,
थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। जैसे कि देखो मतलब कि तलवार का सीन हो गया, ठीक है, तलवार वाला वो हो गया, तलवार की स्किन बेसिकली ये आने वाला है स्कारफॉल के बेटा टेस्टिंग में। ऑल्सो ये गन तो शायद ऑलरेडी आ चुकी है स्कारफॉल में। और ये एक जो जूते की स्किन है ये वाली, ये जूते की स्किन भी हमारे स्कारफॉल 2.0 में आने वाली है बेटा टेस्टिंग के अंदर। ऑल्सो ये एक कबर टाइप का स्किन है, ठीक है, कबर मतलब कि मरने के बाद जो हमारी लूट बॉक्स बन जाती है उसका स्किन है, ये भी स्कारफॉल 2.0 बेटा टेस्टिंग में आने वाला है। और ये बैकपैक की स्किन हो गई, और ये गन हो गया। और गाइस ये देखो, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, ये बेसिकली जब हेलीकॉप्टर आया था ना हमारे स्कारफॉल 2.0 गेम के अंदर, मतलब कि जब हेलीकॉप्टर को हमारे स्कारफॉल 2.0 गेम के अंदर इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम का ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है हेलीकॉप्टर का। ना हो तो बहुत सारे लोग अल्फा और बीटा को लेकर बेसिकली बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। बीटा टेस्टिंग अभी तक आया नहीं, अभी जो आप लोग स्कारफॉल 2.0 को प्ले कर रहे हो बेसिकली एक अल्फा टेस्ट है। अल्फा टेस्ट बेसिकली बीटा टेस्टिंग के पहले का स्टेज होता है, ठीक है। अब अल्फा स्टेज के बाद बेसिकली बीटा टेस्टिंग आएगा, ठीक है। तो बीटा टेस्टिंग के अंदर हेलीकॉप्टर तो आपको देखने को मिलेगा, हेलीकॉप्टर तो ऑलरेडी मतलब कि अल्फा टेस्ट के अंदर ही आ चुका है। आप लोग मुंबई मैप प्ले करते हो तो आपको ओनली फॉर स्पेसिफिक मुंबई मैप के अंदर ही हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है। अंदमान मैप के अंदर आपको हेलीकॉप्टर देखने को नहीं मिलता है। वही हेलीकॉप्टर का स्किन हो गया, और ये तो हेलमेट का स्किन है। और गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, ये इन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वैसे बीटा टेस्टिंग के अंदर ये मैप नहीं आने वाला, ये एक स्कारफॉल 2.0 का न्यू मैप है। बहुत सारे बंदे स्कारफॉल 2.0 के अंदर न्यू मैप की डिमांड कर रहे हैं मुंबई और अंदमान के अलावा। तो बेसिकली ये एक न्यू मैप है जो कि आइसलैंड नेम होने वाला है इसका। और ये मैप बेसिकली स्कारफॉल 2.0 के बीटा जो टेस्टिंग होने वाली है उसके अंदर ये मैप ऐड होने वाला नहीं है। जब स्कारफॉल 2.0 रिलीज हो जाएगा उसके बाद ये मैप जो हमारे इन गेम के अंदर आएगा। मैं आपको लेकिन उसका लुक दिखा देता हूँ ये मैप कैसा होने वाला है। वैसे ये 2 साल पहले का वीडियो है, उस हिसाब से जज कीजिएगा, ठीक है। अब तो इसमें मतलब कि बहुत ही इंप्रूव हो गई ग्राफिक्स, मतलब कि 2 साल पहले का जज कीजिएगा। ये बेसिकली 2 साल पहले इंडिपेंडेंस डे के दिन ये मैप को रिवील किया था, ठीक है। ये देख सकते हो, ये जो आप लोग ग्राफिक्स वगैरह चेक कर रहे हो, ठीक है, जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा जब रिलीज होने के स्कारफॉल 2.0 रिलीज होने के बाद जब इन गेम के अंदर ये मैप आएगा ना, तो अभी आपको जो ग्राफिक्स वगैरह दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका होगा उस टाइम पर जब ये मैप आएगा था। बीटा टेस्टिंग वैसे मैप आने वाला नहीं है, आपको बोल चुका हूं मैं। ये मैप भी बहुत ही तगड़ा है, मतलब कि इसमें देखो ये आइसलैंड मैप पता है किस टाइप का है। इस आइसलैंड मैप में ज्यादा आपको रोड्स देखने को नहीं मिलेंगे, लाइक आपको पता है मुंबई मैप हो गया या फिर अंदमान वाला जो मैप है अभी रिसेंटली टाइम में स्कारफॉल 2.0 के अंदर है, वहाँ पे लाइक बहुत ही एडवांस सिटी है जो अभी मॉडर्न जो सिटी है हमारा, जैसे कि मुंबई जो मॉडर्न सिटी है या फिर अंदमान जो मॉडर्न सिटी है उस तरीके से उसका मैप डिजाइन है। बट इसके अंदर लाइक पहाड़ व टाइप का एरिया है, ज्यादा रोड्स वगैरह नहीं है, बर्फ वगैरह ज्यादा सीन है, ठीक है। ये बेसिकली लद्दाख साइड का सीन लग रहा है, शायद लद्दाख से इंस्पायर्ड हो मैप, आई डोंट नो। बहुत पहले उन्होंने ये मैप रिवील किया था ओल्ड वाले स्कारफॉल 2.0 के अंदर, ये मैप था। अगर आप लोगों ने प्ले किया है तो मुझे बताना। वैसे मैंने खाली एक बार इंस्टॉल किया था ओल्ड स्कारफॉल, उसके बाद मैंने ज्यादा प्ले नहीं किया था ओल्ड वाला स्कारफॉल, बहुत पहले किया था, उतना मुझे याद भी नहीं अभी। ओ भाई इधर बोटिंग भी हो रही है, देख रहे हो मतलब की सब जगह भारत के झंडे लगाए हुए हैं। भारत भाई तगड़ा लोकेशन है यार ये भी। ये देखो क्लॉक टावर जैसा सब कुछ बना हुआ है, और ये मेन बिल्डिंग है बीच की, और इधर साइड में से मतलब कि देख रहे हो हर एक घर एक घर से डिफरेंट लग रहा है इस मैप के अंदर भी देखने में। मुझे स्कारफॉल 2.0 की ये चीज बहुत ही बढ़िया लगती है। लाइक आपने फ्री फायर प्ले किया होगा या फिर बीजीएमआई प्ले किया होगा ना,
तो वहाँ पे लाइक जितने भी हाउसेस है वो बहुत रिपीटेटिव है, बोलते मुझे नहीं फारा, रिपीटेटिव है, ठीक है, मतलब कि बहुत ही रिपीट होते हैं, लाइक एक ही टाइप के बहुत सारे सिमिलर मैप्स आपको देखने को मिल जाएंगे बीजीएमआई या फ्री फायर के अंदर, ठीक है, जैसे कि एलसेप है बीजीएमआई के अंदर, एलसेप हाउस, बहुत सारे एलसेप हाउस है, और बीजीएमआई के अंदर भी एक बिल्डिंग है, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पे जो स्कारफॉल 2.0 अंदर जो हाउसेस वगैरह है ना, उनके लाइक हर एक डिजाइन हर एक हाउस से डिफरेंट होता है, ये काफी बढ़िया चीज लगी मुझे स्कारफॉल 2.0 के अंदर। प्लेन जा रहे तिरंगा का बना के, तो 2 साल पहले का वीडियो है, ठीक है, 2 साल पहले ये मैप रिवील हो चुका है। ओ भाई ये सिप ये भी क्या गेम के अंदर होने वाला है, आई डोंट नो। ओ भाई, अरे ये तो मुंबई का लोकेशन आ गया, हेलो गाइज, ये मुंबई वाला मैप आ गया, देखो ये रहा ताज होटल, ये बर्फ वाले सब मुंबई वाले मैप के अंदर आ चुका है, ये ताज होटल है, और ये सॉरी ये ताज होटल है, और ये वो इंडिया गेट, हाँ इंडिया गेट, ये गेटवे ऑफ इंडिया ये रहा, और ताज होटल, ये तो मुंबई वाला मैप आ गया, हाँ ये मुंबई वाला मैप आ गया, देखो यहाँ पे सब सड़क वड़क है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, और अब दूसरा मैप को यहाँ पर लेके आ गए, ठीक है। मुंबई पुलिस देख रहा हूँ, मैं कहा था ना मुंबई का मैप है यार, आप लोग समझो यार, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस हो चुका हूँ, ठीक है, मुंबई का मैप मैंने उसका कोना कोना मैंने देख डाला है मुंबई मैप का, ठीक है, उस तक मैंने मुंबई मैप को एक्सप्लोर किया है। ये वो वाला रेलवे स्टेशन श्री छत्रपति शिवाजी महाराज वाला रेलवे स्टेशन है, इसकी वीडियो मेरी गई थी 4 मिलियन प्लस व्यू, ठीक है, इसके ऊपर मैंने इस रेलवे स्टेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम के ऊपर, 4 मिलियन प्लस व्यू उसके ऊपर। ये एयरपोर्ट एरिया, तुम कहो ओके, एयरपोर्ट के अंदर बर्फ है क्या, ये भी टाइल्स है, वाइट तो नहीं थी, मतलब कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, 2 साल पहले लाइक ग्राफिक्स बहुत ही लो क्वालिटी के थे यार, लिटरली मैं अभी के टाइम पर आप लोग स्कारफॉल 2.0 के अंदर जाके मुंबई मैप खेल के देखो, खाली ग्राफिक्स क्या ही इंप्रूव कर डाला है। ये वो स्टेडियम, ओ भाई साहब, आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, 2022 का वीडियो है, देख रहा 2022 का वीडियो है ये। स्कारफॉल 2.0, तो ये मैप आई का मतलब कि स्टार्टिंग में जो आपने मैप देखा ये आइसलैंड वाला, ये बेसिकली गेम के रिलीज होने के बाद ऐड होने वाला है। उसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ जो कि स्कारफॉल 2.0 के बीटा टेस्टिंग में आने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि ये शूज़ हो गया, ठीक है, ये शूज़ का स्किन है, ये बेसिकली गन का स्किन है, बेसिकली देखो गन का स्किन लिखा हुआ है नीचे, गन स्किन फ्रॉम द, ओके समझ जाओ, ये गन का स्किन है ये वाला, चल जा वीडियो चल क्यों नहीं रहा है, देख रहे हो ना, मतलब कि ये वाला वीडियो है। फिर ये एक गन हो गया, ये एक मास्क का स्किन है, और ये बेसिकली डेथ क्रिएट, ओके इसका मतलब ये भी एक लूट बॉक्स है, ठीक है, इस टाइप का भी लूट बॉक्स उन्होंने बना के रखा हुआ है जो कि बीटा टेस्टिंग में रिलीज हो जाएगा। और ये बेसिकली एक फीमेल का आउटफिट है नीचे लिखा हुआ है, जो कि मुझे इतना बढ़िया नहीं लग रहा, और ये एक पिंक कलर का गन है, फार्मर्स टाइप है मतलब कि, और ये गाइस ये कार के स्किन है भाई, ये कार भी हमारे स्कारफॉल 2.0 में ऐड होने वाला है। अभी आप लोग एक ब्लैक कलर की नॉर्मल सी कार चलाते होंगे स्कारफॉल 2.0 के अंदर, बट ये कार भी बहुत ही जल्द हमारे स्कारफॉल 2.0 में, देख रहे हो इसका लुक देख रहे हो, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है, ये कार भी बहुत जल्द ऐड होगा। और ये एक हथौड़ी की स्किन लग रही है मेरे को, यस हथौड़ा का स्किन, ओ भाई ये तगड़ा लग रहा है यार, ये कौन सी गन है, MS ये चला ही नहीं मैंने शायद अभी तक स्कारफॉल 2.0 में। और ये बैकपैक का स्किन हो गया, ये एक और शूज का स्किन है, ये मेल मास्क, ये गन का स्किन, ये बैग का स्किन, ओके ये रिक्शा तो अभी तक आ चुका है हमारे गेम में, ट्रेनिंग ग्राउंड में आप लोगों ने रिक्शा को चलाया होगा। और ये स्मोक क्रिएट, ओके स्मोक क्रिएट का ये है स्किन, और ये गन स्नाइपर, और ये वाली कार की बात कर रहा था, देखो अभी स्कारफॉल 2.0 के अंदर ऐसी कार है, बट
ऐसी कार भी बहुत जल्द ऐड होने वाली है बीटा टेस्टिंग के अंदर ही। अब क्या हुआ, इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? और ये स्टिकी बॉम का स्किन है, ठीक है, स्टिकी बॉम जो दीवार पर चिपक जाता है ना, वो वाले बॉम का वो स्किन है। और ये एक मास्क हो गया, और ये बैकपैक है ये, और ये गाइस ये वाली बाइक भी ऐड होने वाली है। अभी तो हमारे इस कार फुल 2.0 के अंदर ओनली फॉर बुलेट वाली बाइक है, बट ये बाइक भी बहुत ही जल्द ऐड होने वाली है। और ये एक मास्क हो गया, मॉन्स्टर ट्रक भी आने वाला है गाइस, टेंशन मत लो। मतलब कि आप लोग जितना सोचे ना, आप लोग जो कुछ भी मतलब कि सोच रहे होंगे इस कार फुल 2.0 में ये ऐड होना चाहिए, ये ऐड होना चाहिए, डेवलपर्स ने ये सब बहुत ही पहले ही सोच के रखा हुआ है, ठीक है। एक साल पहले ये सब मतलब उन लोगों ने डिसाइड कर लिया गेम में ये सब होने वाला है, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल जो चीजें होती है, बेसिक जो फैसिलिटीज होती है गेम की, जो भी इन गेम असेट्स हैं, वो तो आने वाले ही है। बहुत ही तगड़े लेवल पे आने वाले हैं, बहुत ही हाई ग्राफिक्स में आने वाले हैं। और उनका सेकंड प्ले टेस्ट का है शायद से वीडियो, ये क्या है, देखा नहीं था मैंने ये। सेकंड प्ले टेस्ट हुआ था, फर्स्ट प्ले टेस्ट का मुझे उनको शायद पता है, इंडस के साथ मिलकर हुआ था। हेलो गेमर्स, तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आ रहा है इस बार स्टार फॉर 2.0 का दूसरा गेम प्ले टेस्ट। कहां? हमारे अपने सूरत शहर में। ओके, ये अनाउंसमेंट वीडियो है। अगर आपको बताऊं तो स्कारफॉल 2.0 है सूरत का गेम, ठीक है। सूरत की जो गेमिंग कंपनी है एक्सक्वाड, वो स्कारफॉल 2.0 को डेवलप कर रही है, ठीक है। और जानकारी बता दूं, मैं सूरत से कुछ 200 किलोमीटर के दायरे में रहता हूं, ठीक है। मैं वडोदरा में रहता हूं, तो सूरत यहां से कुछ 200 किलोमीटर दूर है, मतलब की, ठीक है, 200 या 150, पता नहीं कितना किलोमीटर है, कुछ तो है। और ये देखो, 11 महीने पहले जब स्कारफॉल 2.0 का क्लोज अल्फा रिलीज हुआ था ना, मतलब की जो ये बीटा टेस्टिंग होता है, ठीक है, अभी आपको बता रहा हूं, बीटा टेस्टिंग जो आएगा ना, अब इसका 4.0 का बीटा टेस्टिंग बहुत ही जल्द आने वाला है। वीडियो में आगे जाके मैं आपको उसका डेट भी बताता हूं। तो बेसिकली मतलब कि जो अब अल्फा टेस्ट आया था ना, तब भी एक ट्रेलर उन्होंने रिवील किया था स्कार 4.0 का। अब जब बीटा टेस्ट आएगा, तब भी वो एक तगड़ा वाला ट्रेलर मेरे अकॉर्डिंग रिलीज करेंगे। तो ये रहा क्लोज अल्फा रजिस्ट्रेशन का ट्रेलर, एक बार ये भी देख लेते हैं। एक्सपर्ट्स प्रेजेंट बैटल फॉर सर्वाइवल। और हाँ गाइस, ये अल्फा जो टीजर है ना, ये कोई सिनेमैटिक टीजर नहीं है। हाँ, मतलब सिनेमैटिक नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ सिनेमैटिक नहीं है, ये बेसिकली क्लोज्ड अल्फा टीजर है। ये गेम प्ले के क्लिप्स से बनाया गया एक टीजर है। जॉइन द मेहम। मेहम का मतलब होता है लड़ाई, मुक्काबाजी, मारपीट, समझ रहे हो ना, मेहम का मतलब वो होता है। देखो धारावी भाई, इसका भी मेरा एक वीडियो गया था, तगड़ा गया था धारावी का भी। तो लिटरली 11 महीने पहले भी ग्राफिक्स बहुत ही खराब लग रहे थे यार, मतलब 11 महीने पहले उस टाइम से मुझे मतलब ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया लग रहे थे, बट अभी जो न्यू वाले मैंने स्कारफॉल 2.0 ग्राफिक्स देखे ना, तो फिर 11 मंथ पहले का ग्राफिक्स लग रहा है कि बहुत ही घटिया था। लैग हो रहा है क्या? ओ भाई, सुनहरी अक्षर से लिखा हुआ है, सुनहरे क्या बोलते हैं, स्वर्ण अक्षरों से स्कारफॉल 2.0 का नाम लिखा जा रहा है गाइस, यहां पर देख पा रहे होंगे आप लोग, स्वर्ण अक्षरों से। मतलब कि टीजर में ज्यादा बट वैसे सिनेमैटिक टीजर, अगर सोच रहे हो सिनेमैटिक टीजर इसका लगता दिखने में, तो क्या सिनेमैटिक टीजर बनता है इसका। ओके, तो ये रहा मतलब कि क्लोज अल्फा का वीडियो, ठीक है। अब आप लोग जिस के लिए रुके हो अभी तक, ठीक है, स्कारफॉल 2.0 का बीटा टेस्टिंग कब आने वाला है वो डेट जानने के लिए, तो मैं आपको वो बता देता हूँ, एक हिंट दे सकता हूँ। ऑफकोर्स ये बात है मेरे भी वसूल्स के खिलाफ है, आपको एग्जैक्ट रिलीज डेट में बता नहीं सकता हूँ, वैसे बता चाह कर भी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट रिलीज डेट, बट जो एक्सपेक्टेड मंथ बोल सकते हो कि कब कितने महीने बाद आने वाला है, वो आपको मैं जरूर से बता सकता हूँ। तो बेसिकली आज से मतलब कि मिनिमम बोल रहा हूँ, सबसे मिनिमम 6 महीने, तो आप लोग समझ सकते हो मिनिमम 6 महीने के तो बाद ही आएगा, आज से लेकर मिनिमम 6 महीने के बाद ही बीटा टेस्टिंग स्कारफॉल 2.0 का आने वाला है, ठीक है। और अब ये बहुत आगे बढ़ भी सकता है, बहुत कम नहीं होगा, लेकिन बहुत आगे बढ़ सकता है, लाइक 7 महीने बाद आए, 8 महीने बाद आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन मिनिमम 6 महीने बाद ही आएगा जो भी इसका बीटा टेस्टिंग वगैरह है, जो भी इसका बीटा स्टेज है, वो मिनिमम 6 महीने बाद ही आने वाला है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये स्कारफॉल 2.0 के बारे में ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसके बीटा टेस्टिंग के बारे में, बीटा टेस्ट कब आने वाला है, मैंने आपको स्कारफॉल 2.0 में बहुत ही कुछ बताया, ठीक है। मतलब कि तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कर देना एक प्यारा सा लाइक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, ठीक है। मतलब कि इतना कुछ बोला हूँ आपको, इतना कुछ बताया स्कारफॉल 2.0 के बीटा टेस्टिंग के बारे में, रिलीज डेट के बारे में, मैप्स के बारे में, इन गेम असेट्स के बारे में, बहुत ही कुछ मैंने आपको बताया। तो वीडियो पसंद है, वीडियो कर देना एक प्यारा सा लाइक, और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, एक छोटा भाई समझ के सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ठीक है, समझो आप ही का चैनल है, ठीक है। स्कारफॉल 2.0 आप भी खेलते हो तो आप ही का चैनल होगा भाई, इसमें स्कारफॉल 2.0 बहुत कुछ आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर देना।
तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। ओ गाइस, वीडियो बनाते वक्त मेरे बाल भी खराब हो गए यार, पता भी नहीं चला मुझे।